हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। दोस्तों आज की वीडियो है गौतम अडानी के बारे में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी लेके आए, जिसको पहले भी शायद देखा था इंडिया में ही वो अपने ही दुश्मन बन गए थे और अमेरिका वाले गिरा रहे थे, क्योंकि ये अमीर बन रहा था ना, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का नुकसान करवा दिया था। तो उनकी बायोग्राफी पता चलेगा। प्ले करें। हाँ यार, प्ले। 1,00,000 करोड़ की होती कभी कभी ना, ये तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, कभी कभी कई जनरेशन मिल करके बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते, और कभी कभी कोई अकेला एक ऐसा आदमी एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर देता है जिसे जनरेशन तक याद रखा जाता है। आज की पर्सनालिटी उन्हीं में से एक है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वेलकम टू योर फेवरेट शो टाइकून्स ऑफ इंडिया। टाइकून्स, हाँ, वो ब्रिलियंस जिन्होंने बनाए कई बिलियंस। आज बात करूंगा विजन स्ट्रैटेजी से, राशन से लेकर रोशनी तक, माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, एयरपोर्ट से लेकर सी पोर्ट तक, हर जगह अपना अड्डा जमा रखा है। किंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे धंधों में घुसते हैं जहां शुरू में इन्वेस्टमेंट बहुत होती है लेकिन उसके बाद कमाई होती जाती है, बोरिंग धंधे करते हैं। विजनरी फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप गौतम भाई अडानी, जिनकी बात करूंगा, जिनका अडानी सीमेंट, अडानी विलमार, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, 30 से ज्यादा धंधे हैं, ये सारे बहुत बड़े हैं। 1962 में इनका जन्म हुआ था। अपने पिता की 7वीं संतान थी। परिवार बहुत बड़ा, बड़ा परिवार, और उस बड़े परिवार को चलाने के लिए एक छोटी सी कपड़े की दुकान। देखिए, आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के तो फादर थे धीरू भाई, लेकिन ये थे वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। साउथ मुंबई कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन बस एक साल की पढ़ाई के बाद ही समझ गए कि धंधा कॉलेज में बैठकर नहीं होता है। कॉलेज छोड़कर 16 साल की उम्र में धंधे में उतर के धंधा सीखा जा सकता है। डायमंड सॉर्टर का छोटा छोटा काम किया इन्होंने। फास्ट फॉरवर्ड, पहली स्ट्रैटेजी पर चलता हूं, नौ स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहली स्ट्रैटेजी है नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये देखना, ये तो आपको कॉमन दिखेगा। आज की जो नॉ स्ट्रैटेजीज है इसमें डेप्थ है। मैं गौतम भाई अडानी की इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं वो बताऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके किस सोच के साथ में, क्या माइंडसेट के साथ में, किस स्टाइल से धंधा शुरू करते हैं। इसलिए इस वीडियो में ना आपको बहुत सीखने को मिलेगा, आपका सोच का नजरिया बदल जाएगा। नेटवर्क इनके लिए सब कुछ है। डायमंड सॉर्टर का काम तो इन्होंने 3 साल तक किया, उसके बाद अपने भाई के साथ पीवीसी पैकेजिंग मटेरियल के बिजनेस में आ गए। अच्छा, पीवीसी पैकेजिंग मटेरियल में इनकी डिमांड बढ़ने लगी, और डिमांड बढ़ने लगी तो ये प्रोक्योरमेंट की कोशिश करें, रॉ मटेरियल इनको मिले नहीं। इनकी रिक्वायरमेंट हो महीने की 20 मेट्रिक टन, और इनको सप्लाई मिले खाली 2 मेट्रिक टन की। अब ये परेशान, अब ये कहें अपने सप्लायर से, दो सप्लायर दे ना पाए, और सप्लायर क्या करता था, नाम मिटा देता था ब्रांड का, तो ये ब्रांड तक पहुंच भी नहीं पाते थे, भाई कौन दे रहा है माल ये। अब इन्होंने नेटवर्क बनाने का जो काम किया ना, जिससे इनको 2 मेट्रिक टन से 20 मेट्रिक टन पर पहुंचा, इसको समझो गौतम भाई जो है ना बिग सप्लायर्स को ढूंढने के लिए, जब सोर्सिंग मार्क उनको नहीं मिला, वहां पे उनको ट्रेडमार्क मिल गया। सोर्सिंग मार्क तो छुपा देते थे, मिटा देते थे, ट्रेडमार्क नहीं मिटा पाया जो उनका सप्लायर था। वो ट्रेडमार्क को फॉलो करते 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 ये एक्चुअल सप्लायर जो सबसे बड़े भारत के थे, जय शाह और जतिन कुटेचा, वहां तक पहुंच गए। ठप्पा जो था ना, उस ठप्पे से असली ठिकाने तक पहुंच गई है। अडानी का अपना गुजराती दिमाग उन्होंने इस्तेमाल किया, वहां पहुंचे लेकिन जाकर के बातचीत नहीं करी। ये गुजराती ऐसे लोग हैं, ये ढोकला खाने के शौकीन तो होते हैं पर धोखा खाने के शौकीन नहीं होते। जे और जतिन फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट लेकर के ट्रैवल किया करते थे रोज, और ये क्या करते थे, ये उनके आजू बाजू की टिकट लेकर चुपचाप उनको देखते रहते थे, क्या बात कर रहे हैं आपस में, दूर से उनको ऑब्जर्व करते थे, कुछ नहीं बोले। कई दिन तक उनके साथ ट्रैवल करते रहे लेकिन उनसे बात नहीं किया। उनकी सारी बातें सुन के इनको समझ में आया ये बिजनेस की बातें करते हैं, ये समझते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, धंधे में क्या चेंज होने वाला है, और उनके साथ बैठ के उनके डायनामिक्स को सुना करते थे। एक मौका इनको मिला, इन्होंने अपना ज्ञान थोड़ा सा दिखाया, जे और जतिन बड़े इंप्रेस हो गए। जे एंड जे दोनों का यार तो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन लग रहा है। दोस्ती बढ़ती गई, अब सबने कहा ये सबसे बड़ा सप्लायर है, ले लो उससे 20 मेट्रिक टन। बोला नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट नहीं काटूंगा, एक बार में काम नहीं निकालूंगा, मुझे नेटवर्क बनाने दो उनके साथ। ऐसा नेटवर्क बनाया उन्होंने जय जतिन के साथ में, कभी ये उनको भोजन पे बुलाएं, कभी वो उनको भोजन पे बुलाएं, दोस्ती हो गई, आपस में बातचीत होने लगी। और फिर क्या हुआ, इन्होंने जब बातचीत ने बताया कि भाई मैं ये धंधा करता हूं और मेरे को बहुत बड़ी सप्लाई की जरूरत है, तो जय जतिन ने क्या किया, इनको कोरियन सप्लायर से मिलवा दिया, जो कोरिया से, तब इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंट्रिकेसी को पहली बार सीखा क्या होता है। ये पहुंच गए कोरिया, उसको बोले कि मेरे को 20 मेट्रिक टन माल दे दो। वो कहता है इतना छोटा ऑर्डर तो हम लेते ही नहीं भैया, इतना छोटा ऑर्डर लेते ही नहीं हम। अब इसको सोचा कि 20 मेट्रिक टन इसको छोटा लग रहा है, इतना सोचा ठीक है ओके 200 मेट्रिक टन दो। अब बैंक पे पहुंच गए कि भैया बैंक मेरे को लोन दे दे, बैंक इनको लोन दे नहीं, तू नया आदमी है भैया तेरे को क्या लोन दे। अब विश्वास ही ना करे उसके ऊपर कि भाई तेरे को क्या लोन देंगे हम। अब देखो क्या हुआ, जे और जतिन की दोस्ती यहां फिर काम आई, जे जतिन ने अपनी गारंटी देके इनको बैंक से लोन दिलवा दिया। यहां तक ही नहीं, नेटवर्क, इनको नेटवर्क ही बनाना आता है, इन्होंने धंधे खुद नहीं खोले सारे, ये नेटवर्क के साथ धंधे मिले इनको, और इसी नेटवर्किंग हैबिट से आगे के सारे स्ट्रेटेजिक लाइन, सारे एक्विजिशन, सारी पार्टनरशिप, आप सुनना इस बात को कैसे करते थे कामयाब।
अब बैंक से लोन भी दिलवा दिया, कोरियन सप्लायर से सप्लाई भी दिलवा दी, अब क्या किया, अब माल बेचूंगा किसको, वही जे जतिन ने इनको प्रिंस से, फिनोलेक्स से, सुप्रीम से, कई बड़े ब्रांड से मिलवा दिया। अब अडानी पीवीसी को लेकर के आए 30% डिस्काउंटेड रेट पे और सस्ते में माल बेचे, माल धड़ाधड़ बिकने लग गया। और ये थी कहानी शुरुआत की, कैसे गौतम अडानी से द गौतम भाई अडानी बन गए। वो अडानी का माइंड इतना शार्प था ना कि जे जतिन का नेटवर्क यूज करके उन्हीं को धंधे में पीछे छोड़ दिया। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ये टाइकून्स ऑफ इंडिया, आप आज सुनना मेरी बात को, इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, सारे के सारे वीडियो देखो। पिछला जो था जमशेद जी टाटा के इम्प्रोवाइजेशन ऑन इनोवेशन, या नारायण मूर्ति के लीडरशिप प्रिंसिपल्स, उनको भी देखना। अभी चलता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, दूसरी स्ट्रैटेजी एम्प्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क। उस समय राजीव गांधी एक नई एग्जिम पॉलिसी लेके आए थे, एम्प्लीफिकेशन मतलब नेटवर्क और बढ़ाया उन्होंने। राजीव गांधी की जो नई पॉलिसी थी 1985 में, उस पॉलिसी में ऐसा था कि आप जितने का विदेश से विदेशी सामान लेके आओगे, उतने का सामान आपको बेचना भी पड़ेगा विदेश में, तब जाकर के आपको इम्पोर्ट क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ जाएगी। आप विदेश से सामान लाओगे, विदेश में कुछ बेचोगे नहीं, तो आपको लाने पर जो ड्यूटी है उसके कारण आपका सामान महंगा हो जाएगा। अब ये सोचिए यार, एग्जिम पॉलिसी के चक्कर में मैं तो खाली इंपोर्ट करता हूँ, मैं विदेश में तो कुछ बेचता नहीं, तो वो ड्यूटी का इनको, जैसे जीएसटी का इंपोर्ट होता है ना इंपोर्ट क्रेडिट, उसी तरह से इंपोर्ट क्रेडिट। अब इंपोर्ट क्रेडिट का फायदा उठाना, अब जो है गौतम भाई धंधे में ना होकर के भी धंधे के सारे फंडे जानते थे, इंपोर्ट क्रेडिट के लिए उनको एक्सपोर्ट नहीं करना था, उनको एक सपोर्ट चाहिए था, एक्सपोर्ट नहीं चाहिए था। ए एक्सपोर्ट हो गया विदेश में बेचना, एक सपोर्ट हो गया ऐसा आदमी जो विदेश में बेच रहा है, अगर मैं उससे पार्टनर कर लूं तो उसके विदेश में बेचने का मुझे फायदा मिल जाएगा। एम्प्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क, पूछो कैसे, इन्होंने क्या किया, ऐसी कंपनियां ढूंढनी शुरू करी, ऐसे किया कि गुज्जू दिमाग ने गुना भाग करना शुरू कर दिया। और गुजरात स्टेट एक एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन थी कंपनी, ये जो गुजरात GSEC बोलते हैं इसको, गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, ये हैंडीक्राफ्ट बहुत एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट कुछ करते नहीं थे, तो इनके पास इंपोर्ट क्रेडिट बचा हुआ था, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ये गए उनके पास, बोला ऐसा भैया हमसे पार्टनरशिप कर लो, आप जो एक्सपोर्ट करते हो उसका क्रेडिट हम ले लेंगे और उसके बदले में आपको एक कन्वीनियंस फी दे देंगे, आपके लिए तो एक्स्ट्रा कमाई है, आपका अलग कुछ रहा नहीं है, आपका कुछ नहीं लग रहा। GSEC ने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है, बताओ कितने का करो। बोला मैं तो 200 मीट्रिक टन का काम करता हूँ। अब GSEC ने दिमाग लगाया, 200 मीट्रिक टन पे समझो 200 रुपये पे 20 रुपये का, और 20 रुपये का फायदा, और 20 रुपये के फायदे में ये 2 रुपये की कन्वीनियंस फी देगा, क्या फ़ायदा। GSEC ने मना कर दिया। अब ये परेशान भैया, मना कर दिया, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, सोच रहे हो कितनी बड़ी है, अभी बताता हूँ क्या दिमाग लगाया। इन्होंने क्या कहा, GSEC को बोला कि ठीक है मैं अभी 200 मीट्रिक टन का काम कर रहा हूँ ना, मैं 2000 मीट्रिक टन की आपको गारंटी देता हूँ, और अगर मैं 2000 मीट्रिक टन पे एक साल में नहीं पहुँच पाया तो पेनल्टी के रूप में वो जो पैसा आया वो मैं आपको वैसे ही दे दूंगा, 2000 के हिसाब से दे दूंगा, उसको पेनल्टी मान लेता हूँ मैं। एक कमिटमेंट करके आ गए उनको, GSEC ने हाँ कर दिया। अब ये 200 से 2000 की तरफ जा, अभी 2 मीट्रिक टन से 20 पे गए थे, 20 से 200 पे गए, 200 से 2000 मीट्रिक टन पे, यानी कि पिछली बार से 10 गुना, उससे पिछली बार से 100 गुना। गौतम भाई ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने बहुत कमाल कर दिया, जा करके कोरियंस को बोले मैं अब 200 की जगह 2000 मीट्रिक टन का ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरे को माल सस्ते में चाहिए। कोरियंस ने इनको 15% डिस्काउंट दे दिया। GSEC से इन्होंने इम्पोर्ट क्रेडिट का फ़ायदा उठा लिया, वो पैसा भी कम हो गया, डबल पैसा कम हो गया, कोरियन से भी डिस्काउंट मिला, और जो यहाँ पे टैक्स लगना था या जो ड्यूटी लगनी थी भारत में लाने की, अब वो भी नहीं लग रही। दो जगह से पैसा बचने के कारण इनका माल हो गया बहुत सस्ता बाजार में। सस्ता माल होने के बाद अब इनको और कस्टमर मिल गए, इनको प्रिंस भी मिल गया, फिनोलेक्स भी मिल गया, सुप्रीम भी मिल गया, अपोलो भी मिल गया, इनको ड्यूट्रॉन भी मिल गया, प्लास्टो भी मिल गया, छोटे बड़े कई MSMEs को ही अपना माल बेचने लगे। लोएस्ट PVC रेट पे इन्होंने माल बेचा, एक तीर से 2-3 निशाने इकट्ठे लगा दिए, सबने माल इतना खरीदा, पूरा प्रिंस, फिनोलेक्स, सुप्रीम, अपोलो, ड्यूट्रॉन, ये सब माल खरीदने के बाद हुआ क्या, कमिटमेंट किया था इन्होंने 2000 मीट्रिक टन का, और GSEC के होश उड़ गए, ये 10000 मीट्रिक टन बेच दिए। जितना कमिटमेंट करके आए, तो वैसे ही वो कमिटमेंट 10 गुना ज्यादा थी, वो 10 गुना ज्यादा की कमिटमेंट को 500% और ज्यादा कर दिया। अब 1986 में गौतम भाई बेशक जड़ से शुरू नहीं करते धंधा, लेकिन जहां जुड़ जाते हैं वहां जादू कर देते हैं, इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क, अपने नेटवर्क को और बड़ा करते गए। ये ना काम के लोग ढूंढते रहे शुरू से, हमेशा हर धंधे में उन्होंने यही किया, काम का आदमी ढूंढो जिसके साथ आगे बढ़ता हूं, ये अपॉर्चुनिटी स्कैनर है, ये मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 3, अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे हर समय। PVC ट्रेडिंग में सब धंधा सुपरहिट हो गया। अब ऐसा क्या करें कि 2-3 लाख करोड़ का नया बड़ा बिजनेस बन जाए, आपको नया धंधा ढूंढना है। अब तक टीम बना चुके थे, है ना, अब टीम बना चुके थे, और टीम से उन्होंने बातचीत किया, और टीम ने कहा सर ऐसा है, इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के बीच में 90% ट्रेड, 90% इंपोर्ट या एक्सपोर्ट समुंदर से होता है। बोले हाँ सर, समुंदर को खरीद लें, समुंदर का किनारा खरीद लें, अगर इसमें घुस गए तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा, जिसका भी होगा उस पर पैसा खाएंगे।
मोटा पैसा सुन के मोटा भाई की आंखें चमक गई। फिर कहता है मोटा भाई हिसाब किताब जोड़ने में लग गए, गुना भाग किया। उन्होंने कैलकुलेट किया यार 1,00,000 करोड़ का धंधा तो बन जाएगा। सुनना किया कैसे, अब आप पूछोगे कैसे 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ कैसे, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम समझ में आ गई इनको। इन्होंने कहा पोर्ट अगर मेरा हो गया तो कार्गो जो आएगा जाएगा, उसकी लोडिंग होगी अनलोडिंग होगी किराया खाऊंगा, जो भी शिप आएगा समुद्र आएगा उसका सामान को स्टोर करना है किराया खाऊंगा, कोई शॉर्ट टर्म होगा कोई लॉन्ग टर्म होगा, पोर्ट में वेयर हाउस होगा, उसमें बर्थिंग अनबर्थिंग फीस होगी। बर्थ समझते हो, ट्रेन की बर्थ समझ लो, आप ट्रेन की बर्थ पर जाके बैठते हो, ऐसे ही समुद्री जहाज से कोई सामान आता है वो बर्थ के ऊपर रखा जाता है, उसमें पैसा लूंगा, जब उतारा जाएगा उसमें पैसा लूंगा। और क्या होगा, वैल्यू एडेड सर्विसेज में कमाऊंगा, कस्टम्स के साथ में, इंश्योरेंस के साथ में, लॉजिस्टिक्स के साथ में। अब इन्होंने सोचा इतना ही नहीं, बड़ा पैसा, कई शिपिंग कंपनी बहुत बड़ी है दुनिया की, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, वहां कमाऊंगा। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी जिसके समुद्री जहाज है वो है मर्क, मर्क के अलावा है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, एक भारत की है द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी, एक SR शिपिंग, ये सब कितनी सारी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी। बोला इनसे लंबे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लंबे समय तक आराम से स्टेबल रेवेन्यू आएगा, मतलब स्थिर होगा, रोज रोज गड्ढा नहीं खोदना पड़ेगा। तो ऐसा पोर्ट बनाते हैं, अब वहाँ पे बड़ी रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ वेयर हाउस होगा, वहाँ टर्मिनल होगा, वहाँ जेटी, जेटी समझते हैं आप, जैसे समुद्र में ना आगे एक एक पतला सा पगडंडी सी जारी होती है, जहाँ आकर के जहाज रुकता है और जेटी पर सामान उतरता है। बोला जेटी किराए पर चढ़ाऊंगा, वहाँ से रेवेन्यू लूंगा, और अपने खुद का भी तो फायदा होगा, मैं भी तो इम्पोर्ट कर रहा हूँ, मेरा भी तो कमीशन का आउटफ्लो होता है जब मैं इम्पोर्ट करता हूँ, तो वो पैसा भी बचेगा। और जितनी दुनिया भर की कंपनी जाएंगी मेरे यहाँ ऐसे ही जाएंगी, तो सबका किराया खाते रहूंगा, एक बार पोर्ट बनाऊंगा किराया खाते रहूंगा, और सबसे दोस्ती भी करूंगा, इनमें कोई बड़े मिल गए उनसे कोई नया धंधा भी कर लूंगा, ऐसा नया एक्सपोजर निकाल के लाऊंगा। अब तक टीम्स पूरी रिसर्च कर चुकी थी, दो पोर्ट सरकार खोल रही थी, एक मुंद्रा एक कांडला। दिमाग देखो गुज्जू भाई का, इन्होंने कहा कांडला छोड़ दो मुंद्रा पकड़ेंगे। और क्यों, क्योंकि मुंद्रा में ना जो समुद्र का पानी बहुत डीप है, जब डीप होगा पानी तो बड़ा जहाज आ सकता है, अगर पानी डीप नहीं होगा तो रेत में जहाज अटक जाएगा, आगे तक नहीं आ पाएगा, किनारे तक नहीं आ पाएगा। बोला और समुद्र का पानी वहां डीप है उसको लो, और वो ट्रेड जो है ना यूरोप का और मिडिल ईस्ट का उसके नजदीक पड़ता है मुंद्रा, इसलिए कांडला छोड़ दो, मुंद्रा गुजरात के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर की, जितनी जगह उतना पैसा छापेंगे, नोट छापेंगे। और यहाँ जो है इस तरफ मुंद्रा की तरफ टाइडल वेरिएशन जो होती है ना, क्या बोलते हैं चक्रवर्ती तूफान जो आता है समुद्र के अंदर, बोला यहाँ बहुत कम होता है, और इसी के पास में पेट्रोकेमिकल वाले बैठे हैं, टेक्सटाइल वाले बैठे हैं, दूसरे केमिकल वाले बैठे हैं, यहाँ पे इनका डिमांड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत हो रहा है, इनको मुंद्रा में मुद्रा दिख गई, और उसी मुद्रा से इन्होंने कमाया। गौतम को समझ में आ गया ऐसा दिखता है भाई को, तो ये पीस पैसा है लगा हुआ भाई, और कैसे इन्होंने 1 रुपए एकड़ के हिसाब से किस तरह लिया उसकी भी कहानी है। यहाँ पे मैं कहते कि मैं इनको पोर्ट हाईवे एयरपोर्ट रेलवे लाइन सबसे इसको कनेक्ट करके, गौतम रेंट देना नहीं, जमीन खरीद के आगे रेंट लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने रेंट पे लिया नहीं। तो गौतम ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया, उनको क्या बोले, आओ तुम्हारे को अब मैं हवाई जहाज पे घुमा के लाता हूँ। मुंद्रा के ऊपर सारे ब्यूरोक्रेट्स को, सरकारी बाबुओं को हवाई जहाज में घुमा के ले गए, और खाना खूना खिला रहे हैं और अपना आराम से खा पी रहे हैं मस्ती से, और ठीक चल रहा है, ठीक बहुत बढ़िया चल रहा है, सब हवाई जहाज में सारे सरकारी बाबू बैठे हुए, और उनको ऊपर से कहते हैं ये तो जमीन देख रहे हो, यहाँ पे बाढ़ आई थी, फ्लडेड है, ये अनयूजेबल है, ये इनफर्टाइल है, यहाँ किसान कुछ नहीं उगा सकता, ये वेस्ट लैंड है, ये मुझको आप किसान से दिलवा दो, किसान को थोड़ा बहुत मुआवजा दे दूंगा और उसको अपने यहाँ नौकरी पे भी रख लूंगा। तो सारे सरकारी बाबू को लगा बात तो ठीक है, जब वेस्ट लैंड ही है, फ्लडेड ही है, जब किसी काम ही नहीं आना है, उनको एरियल व्यू दिखा के उनका व्यू पॉइंट बदल दिया, और जैसा व्यू दिखाया व्यू पॉइंट बदला, अब फार्मर्स वो खुश कि उनको कुछ कॉम्पनसेशन मिल गया, अच्छा उनको साथ में नौकरी भी मिल गई। याद रखना इनका मुद्दा बिल्कुल सिंपल है, ऐसी ऐसा बड़ा पोर्ट बना दूँ कैसे, पोर्ट पे जो आएगा जाएगा, समझो जो जुआ खेलता है ना वो नहीं कमाता, जो जुआ खिलाता है वो कमाता है, जो रेस कोर्स में घोड़ा दौड़ाता है ना वो नहीं कमाता, जो रेस कोर्स चलाता है वो कमाता है। ये पूरा का पूरा रेस कोर्स खरीद लिया इन्होंने, अब जितने घोड़े दौड़ेंगे सब तक पैसा कमाऊंगा। अब अडानी की अगली चुनौती क्या थी, अब ले तो रहा हूं मैं, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, पहुंच गए बैंक के पास में, अब बैंक ने कहा भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम नए प्लेयर हो, रिस्क बहुत है, लीगैलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सरकार की बहुत नौटंकियां हैं, हम तुमको लोन नहीं देंगे। अब मैंने क्या बोला, नेटवर्क बनाने में तेज, अभी सरकार के पास पहुंच गए, बोला हम सरकार को कमाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। बोले कैसे, प्रेजेंटेशन दी और बोला इसमें 26% हिस्सेदारी आपकी, मेरी 74% हिस्सेदारी। सरकार को बड़ा अच्छा लगा गुजरात सरकार को, ये बहुत बुद्धिमान आदमी निकला गुज्जू, बोला लाओ हमको 26% दे दो, और सरकार के साथ जुड़ते ही इनको ग्रांट और सब्सिडी मिल गए, सारे नियम कानून कागज पत्तर रेगुलेटरी चेक कंप्लाइंस सारे पूरे हो गए, और गवर्नमेंट के पार्टनर बनने से इनकी अपनी इज्जत और क्रेडिबिलिटी भी आ गई। अब आज
क्या हुआ, नेटवर्किंग पार्टनरशिप के अमिताभ बच्चन, गौतम भाई अडानी आज मुंद्रा बैकबोन बन चुकी है इनके पूरे एम्पायर की। मुंद्रा सबसे हाईएस्ट अर्निंग पोर्ट है भारत का, 9% पूरे ग्रुप का रेवेन्यू केवल एक मुंद्रा से आ रहा है और पोर्ट का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 50% के आसपास इनका मार्जिन है। आप कहोगे 1,00,000 करोड़ का बिजनेस कैसे बनेगा, मैंने शुरू में बताया था भाई साहब 3,00,000 करोड़ का धंधा हो गया, जितना एस्टिमेट किया उससे ज्यादा अर्न किया। गुज्जू कोई बात अगर ठान ले और ठनठन गोपाल को भी धनधन गोपाल बना दे, ये थी मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी। अपॉर्चुनिटी स्कैनर, हर समय अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, अब नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आगे बढ़े। पोर्ट बिजनेस में अडानी ने सस्टेनेबल रिकरिंग रेवेन्यू तैयार किए और सस्टेनेबल रिकरिंग रेवेन्यू ही सब कुछ है, धंधा होता ही यही है, एक बार पैसा लगाया पैसा आता रहे, है ना। यही तो मैं लीडरशिप वालों में सिखाता हूँ हमेशा कि आप आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे बढ़े, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कैसे बढ़े। लीडरशिप फनल बड़ा गेम चेंजर हो गया, इसलिए कभी भी सीट नहीं बचती, कभी नहीं बचती लीडरशिप फनल में। तकलीफ ही है क्योंकि कसम खाते हैं सब लोग, यहाँ आपका बिजनेस का टर्नओवर फट बढ़ता है। मैं वो फ्रेमवर्क देता हूँ, कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल समझाता हूँ आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क देता हूँ, सुनो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बुलेट ट्रेन है, जो चढ़ जाए उसका जो 10 साल का जो भविष्य है वो सिर्फ 10 महीने में भी खड़ा हो सकता है। यहाँ पे आके आपके सारे जो कंसेप्ट है वो बदल जाएंगे, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। 100 करोड़ बनाऊंगा, बट अभी लग रहा है 2,000 करोड़ बना सकते हो मेरे कंपनी को। बिजनेस के जो गुरु बोलते हैं वो विवेक सर है। मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के LFP प्रोग्राम को हर बार ज्वाइन करें। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दिस प्रोग्राम टू एवरीवन। आज की तारीख में इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। हजारों फाउंडर्स आते हैं और मैं कुछ को सिलेक्ट भी कर लेता हूँ वहाँ पे, जिन पे मेरा दिल आ जाता है, मुझे समझ में आता है ये दमदार है फाउंडर, इस बिजनेस में दम है, फाउंडर में दम है, उनको मैं IPO तक हाथ पकड़ के लेके जाता हूँ। ऐसे तो अब दिवाली समाप्त हो गई है और दिवाली से फ्री होने के बाद हमने 8, 9, 10 नवंबर का प्रोग्राम रखा था, ये जो दिल्ली में हो रहा है। आप इसके बारे में फोन लगा के पता लगा, नंबर मैंने आपको दे दिया 9815444433। इस अपॉर्चुनिटी स्कैनर के पास वो है स्किन इन द गेम, यानी कि सामने वाले को ऐसा बना दो स्किन इन द गेम, क्या है, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा सिस्टम बनाया उन्होंने कि भाई मैं जिसके साथ लड़ूंगा ना वो जीतेगा तो मैं जीतूंगा तो वो जीतेगा। तो मैं बताता हूँ कहानी कहाँ से शुरू हुई। एक दिन मुंद्रा पोर्ट पे अपना टहल रहे आराम से, गौतम भाई टीम से पूछा आजकल क्या चल रहा है, टीम ने बोला आजकल कोयला चल रहा है, कोल चल रहा है। अच्छा तो कोल को गोल बनाओ, ये स्किन इन द गेम में क्या किया इन्होंने, बोला क्या 1,00,000 करोड़ का नया धंधा बनाते हैं इसमें। बोला कैसे, हाईएस्ट ट्रेडेड कमोडिटी उस समय भारत की कोल थी, क्योंकि जितनी बिजली बन रही है वो कोयले से बन रही थी पूरे भारत में, 30% का मार्जिन। अब इसकी स्ट्रैटेजिक टीम ने सोचा कि कोल के अलावा अगले 20 साल तक, अगले 25 साल तक कोई और तरीका नहीं जिससे बिजली बनेगी, तो 1,00,000 करोड़ का बिजनेस तो बन जाएगा इसमें। इनकी शुरुआत ही वहीं से होती है, ये वो नहीं सोचते कि मैं अपने शहर में कमाल कैसे कर दूं, ये पूरे भारत का एक साथ सोचते हैं, पूरे भारत को कैसे खा जाऊं, पूरे का पूरे भारत को, शुरुआत ही ऐसे है। ये कहते हैं भाई डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन बताओ कितनी, बोले 50% ही बना पा रहे हैं, 50% का शॉर्टेज अभी भारत में, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर था, स्टील बिना कोयले के बन नहीं सकता, कोयला तो स्टील का ऐसा है कि मतलब बिल्कुल जीवन साथी है उसका। अब बिजली बनानी हो कोयला चाहिए, सीमेंट बनाना हो कोयला चाहिए, फर्टिलाइजर बनाना हो कोयला चाहिए, पेंट बनाना हो कोयला चाहिए, वाटरप्रूफिंग मटेरियल कोयला चाहिए, रेलवे है मरीन है कोयला चाहिए, कोई फ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है चाहे गैसोलीन है डीजल है जेट फ्यूल है कोयला चाहिए। अभी भाई इतना कोयला चाहिए, ये बोले भाई कोयले की डिमांड अगले 20 साल में 300% बढ़ेगी और मार्जिन 30% है, अगर डिमांड इतनी और मार्जिन इतना मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, छा गया। गुज्जू भाई का दिमाग बहुत तेज चला, गुज्जू भाई ने कहा कि आज बड़ी एडेड एडवांटेज है मेरे को अगर मैं इसको पकड़ दूं इस तरीके से, तो इन्होंने क्या किया, भारत को छोड़ दिया, भारत का हमारे माइनिंग के चक्कर में ना जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत होता था, एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ प्रोटेक्शन के लिए बहुत लड़ाइयां करते थे, बोला मैं पढ़ना ही नहीं। इसके बाद दूसरा सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है भारत के अलावा, तो पता किया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत कोयला है लेकिन खास कोयला है, उनके पास कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल जिससे कोक बनता है, हाँ ये वो कोयला है जिससे वो स्टील बनाने में काम आता है, ये वो सख्त हो जाता है कोयला इसकी प्रोसेसिंग के बाद में, वो ये कोयला बड़े काम का है, बड़ा वैल्यूएबल कोयला है। अब स्किन इन द गेम में दिमाग क्या लगाया भाई, नेटवर्किंग का आदमी, इनको नेटवर्क चाहिए पार्टनर बनाने, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, वहां लोकल आदमी देखा जिसके पास सबसे बड़ी माइन है, उनको क्या बोला कि भाई एक काम करो, तुम रेगुलेटरी एडवांटेज सारी संभालो, तुम्हारी रीजनल एक्सपर्टीज है, तुम्हारे साथ मिलकर काम करते हैं। बोला मिलकर क्या करते हैं, ले लो हम तुम्हें दे देते हैं खदान। बोले कितने की दोगे, बोले $1.5 बिलियन की दूंगा, $1.5 बिलियन ये समझ के ज्यादा है। इन्होंने कहा क्या $1.5 बिलियन ले रहे हो, मैं तुम्हें और बड़ी आइडिया देता हूं। बोला क्या, अप फ्रंट $500 मिलियन पकड़ो और जितना कोयला बिकेगा उसमें तुम्हारी रॉयल्टी, जितना कोयला बिकेगा उसमें तुम्हारी रॉयल्टी, तुम पार्टनर बन जाओ ना मेरे साथ में, $500 मिलियन तो जेब में रखो, कोयला निकालो कमाओ, कोयला निकालो कमाओ, $500 मिलियन तुम्हारे फ्री के। अच्छा गौतम भाई ने अपने आप को सेव कर लिया,
सीधा 1.5 बिलियन लगाना नहीं पड़ा, 500 मिलियन में काम चल गया और हुआ क्या, स्किन इन द गेम। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, तू मेरा पार्टनर, लोकल पार्टनर, सारी मेहनत करे सरकारी क्लियरेंस कराने में, सरकारी लाइसेंस कराने में, प्रॉफिट भारी ना हो, परमिट जारी होगा। और क्या परमिट जारी करा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन गोरा, वो कमाएगा कैसे, जितनी माइन परफॉर्म करेगी, जितना माइन से कोयला निकलेगा उतना कमाएगा वो, तो वो लग गया भाई निकालो कोयला निकालो, वो पूरी जिम्मेदारी ले ली उसने अंदर, वो घुस गया, पार्टनर एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया। अब पार्टनर ने इतना इन्वॉल्वमेंट होकर के खुद ही सारे काम करने शुरू कर दिए भाई, लग गया यहाँ सरकार का काम, ये काम, खदान का काम निकालना, ट्रांसपोर्ट कराना, क्योंकि उसको पता है जितना कोयला बिकेगा उतना कमाऊंगा। यही था गौतम भाई का आइडिया कि अब तू बेटा कोयला निकाल, मैं अगले धंधे की तरफ चलता हूँ, हैं, इसको बोलते हैं स्किन इन द गेम, तू काम संभाल, मेरे को नया धंधा ढूंढना है, ये वाला तो चालू हो गया। और आउटकम क्या है, आज गौतम भाई की 6 महीने 3 देशों के अंदर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, और अडानी सबसे बड़े इंपोर्टर हैं कोयले के, 50% भारत का कोल इस समय अकेले अडानी दे रहे हैं। और ये कंपनी जो सोची थी 1 लाख करोड़ की, आपको हैरानी होगी 3.5 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। हम सोचते ही ऐसे 31% ग्रुप का रेवेन्यू ऐसे आ रहा है, जो बोला था ना 1 लाख करोड़, ये कोल को गोल बनाने का नतीजा क्या है, 3.5 लाख करोड़। स्किन इन द गेम दिमाग क्या है, नेटवर्किंग पार्टनर, बाकी जहां naukri.com पे जाते हैं गुजराती लोग, naukri.com नहीं, naukri.com, ये एक ऐसी कॉम है जो नौकरी देती है, ये कॉम ही अलग है, कॉम समझते हो ना, जाति कॉम, ये naukri.com है, naukri.com, ये कंपनी में नहीं जाते, ये कंपनी बनाते हैं, ये धंधे को डबल करना, मार्केट को मुट्ठी में रखना इनके खून में होता है। तभी जब भी इनसे पूछो केम चो, कहते मजा मा। देश के दिग्गज लोग भी आज कमेंट कर रहे हैं नीचे आकर के, ये टाइकून्स ऑफ इंडिया जाने मन। अभी पीछे डॉक्टर किरण बेदी जी ने कमेंट किया, जब जमशेद जी टाटा ग्रुप में मैंने वीडियो बनाया, टाटा ग्रुप कितना बड़ा है, तो आपको भी कमेंट में आकर के बताओ किसकी स्ट्रैटेजी देखनी है, क्योंकि मैं ना यहाँ स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं डेप्थ इन स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, ऐसी स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ जिससे समझ में आए। फास्ट फॉरवर्ड, 5वीं स्ट्रैटेजी, बोरिंग बिजली बिजनेस। ये सारे धंधे बोरिंग धंधे करते हैं, बोले भाई कोयला मेरे पास है, कोयले से अगर बिजली बनाऊंगा तो हिसाब जोड़ते हैं कितना कमाऊंगा, होश हो गए, असली पावर तो पावर के बिजनेस में, कोयला मेरे पास है ही है, अरे पावर बनाते हैं, टीम से पूछा कितना कमा सकते हैं, हो जाएगा कम से कम 1 लाख करोड़, टीम में हिसाब लगाया, सन 2000 की बात है, 110 करोड़ की पॉपुलेशन, 55% लोगों के पास बिजली है ही नहीं, बोला यानी कि 55 करोड़ लोगों को बिजली देने की संभावना है और ये 2 गुना बढ़ जाएगी अगले 20 साल में, 75% एनर्जी की नीड बढ़ती चली जा रही है, बोला $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी और नेचुरल ट्रांजिशन है, क्यों, रॉ मटेरियल कोयला मेरे पास है ही है, कोल माइंस मेरे पास है ही है, लार्जेस्ट इंपोर्टर का कोल मैं ही हूँ और मैं, मेरी रिड्यूस हो जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्योंकि मुझे किसी और से नहीं देना पड़ेगा और स्टेबल पावर सप्लाई दे पाऊंगा, मैं कमाल कर दूंगा। कंपनी ने फिजिबिलिटी एनालिसिस पूरी टीम ने किया इनके बैठ करके, तो क्या हुआ, भयंकर हैंडसम प्रॉफिट मार्जिन उनको समझ में आया। काम शुरू करने से पहले ही हरियाणा सरकार से पहले ही ऑर्डर ले आए, अभी काम चालू नहीं हुआ, हरियाणा सरकार ने हमको दे दो भैया बिजली, हमारे गाँव में बिजली लगाएंगे सबके यहाँ, और हरियाणा सरकार में जो है उन्होंने ओके कर दिया। अब भाई ने देखा कि मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो मैं कर ही दूंगा, हरियाणा सरकार का ऑर्डर मिल गया। अब टेक्नोलॉजी का एक चैलेंज कि मुझे यहाँ से गुजरात से हरियाणा बिजली भेजनी है, कैसे भेजूंगा, कोई ईमेल पे तो भेजूंगा नहीं, कोई कोरियर तो कर नहीं दूंगा। अडानी को टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की पूरी टीम लगाई, तो मैं सस्ते में बिजली कैसे पहुंचाऊं, तो 2 तरह से होता है, एक तो होता है एसी ट्रांसमिशन जो कि अल्टरनेट करंट ट्रांसमिशन, एक है एचवीडीसी ट्रांसमिशन। अब जो एसी है वो ना क्या है, उसकी वोल्टेज कंट्रोलेबिलिटी कम होती है, ज़्यादा जो है ना बड़े इलेक्ट्रिक टावर चाहिए उसको सप्लाई करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 600 किलोमीटर तक उसकी बिजली जाएगी, तो लाइन की कॉस्ट भी बहुत हाई है, बिजली भी दूर तक नहीं जाएगी, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है और स्टेबल भी नहीं है। HVDC ये कमाल की है, ये हाई वोल्टेज लेके जाएगी, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे नन्ने नन्ने टावर में भी चली जाएगी और 3 गुना दूर तक जाती है, वो जाती 600 किलोमीटर जाती है 1800 किलोमीटर, और जो है अपने आप ही रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगी लाइन की मेरी, क्योंकि मैं फ्यूअर कंडक्टर के साथ ही भेज दूंगा इसको, वहां पे लाइन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, अभी तो समझ में आ गया, अब भेज तो दिया लेकिन हाई वोल्टेज जो करंट है वो तो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते। अब दिक्कत आ गई वहां पे कि भाई हाई वोल्टेज को वहां पे एसी में कन्वर्ट कैसे करूं, सिंपल घर वाली बिजली कैसे बना दूं उसको मैं। अब इनको फिर से आपको पता है नेटवर्किंग के बादशाह, पार्टनर बना लेते हैं हर एक को, खुद कुछ करना नहीं है, पार्टनर को लगाओ उसको भगाओ साथ में। महेंद्रगढ़ में इन्होंने क्या किया, वहां देखा सरकारी पावर हब स्टेशन है, वो पावर सब स्टेशन जो सरकारी है, वहां जाकर उनको बोला अपन पार्टनरशिप कर लेते हैं, आपको बिजली मैं फ्री में दूंगा, आप मेरे HVDC को अल्टरनेट करंट में घर में इस्तेमाल करने वाली साधारण भाषा में बिजली के लिए कन्वर्टेबल कन्वर्टर करा दूं मेरा यहाँ पे। उन्होंने कह दिया ओके जी हमको फ्री में बिजली लगा दिया पार्टनर, पार्टनर ने पहले से प्लांट लगाने का खर्चा बच गया सारा का सारा, डेडलाइन से पहले ही पावर लाइन सेट कर दिया क्योंकि डेडलाइन हरियाणा सरकार ने दे रखी थी, और ये नेटवर्किंग पार्टनरशिप के भगवान है गौतम भाई, और रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, MP, झारखंड सब इनके पीछे लग गए, हमको बिजली दो, हमको बिजली दो, हमको बिजली दो, सब जगह इन्होंने बिजली पहुंचानी शुरू करी। आउटकम क्या भाई है, शुरुआत ही 1 लाख करोड़ से सोचते हैं और 2-2.5 लाख करोड़ पर जाकर पहुंचते हैं, जो सोचता है उससे बहुत ज्यादा करके दिखाया, और बोरिंग बोरिंग बिजनेस करते हैं ये।
ये ऐसा बिजनेस नहीं करते कोई बड़ा एक्साइटिंग बिजनेस हो। मेरा पैशन है जी, पैशन है। पैशन नहीं है, पैसा बताओ कहाँ है। कोई पैशन पैशन नहीं चाहिए, पैसा बताओ कहाँ है। धंधा ऐसा लगा दे, एक बार सेट कर दिया, आता रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, बिजली बनती रहेगी, पैसा आता रहेगा। हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मनोहर कहानियाँ नहीं सुनाता हूँ। मनोहर कहानी सुननी छोड़ दो इसको, चले जाओ यहाँ चैनल से। यहाँ पे खाली वो लोग आ रहे हैं जिनको डेप्थ सीखनी है स्ट्रैटेजी की। ये चैनल बिजनेस के स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस की स्ट्रैटेजीज का है, वो सीखना है, मोस्ट वेलकम। हाथ खुले हाथों के साथ बताता हूँ आपको। फास्ट फॉरवर्ड छठी स्ट्रैटेजी सीएनजी पीएनजी एलएनजी इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ। यहाँ आया अडानी गैस लिमिटेड और बाद में चल के बनाइए अडानी टोटल गैस लिमिटेड। यहाँ भी टोटल कंपनी, टोटल गैस सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी, उसको भी पार्टनर बनाया मैंने। कैसे किया? अडानी के लिए बिजनेस सफल होने का मतलब है अगले बिजनेस की शुरुआत करना। बिजली के अलावा और ऐसी क्या चीज़ें जिसकी डिमांड बढ़ रही है? तो टीम ने बोला, सर बिजली तो आ गई, रोटी कपड़ा मकान होता है तो है, रोटी तो खाएंगे, घर में खाना बनेगा, गैस दे दो सबको, पूरे देश में खाना बनेगा, रिसेशन आना ही नहीं है, खाना तो खाना ही है, चाहे तनख्वाह कम हो ज़्यादा हो, गैस बनाते हैं, पूरे देश में देंगे गैस। अडानी का दिमाग चल पड़ा, कमाल हो गया भाई, भारत में गैस की बहुत कमी है, लोग आज भी चूल्हे में बना रहे हैं। इसने देखा पीएनजी और सीएनजी दो गैस का काम इकट्ठे कर सकते हैं। पीएनजी क्या होता है बताया तो आपको, इजी पाइप नेचुरल गैस है, क्योंकि घर में खाना बनाने का। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस है, समझ में आ गया, कोयले का कोई विकल्प तैयार करना है, गाड़ियों में सीएनजी लगती है, पावर जनरेशन में सीएनजी काम होती है। 50 मिलियन मेट्रिक टन की जरूरत है और 25 अवेलेबल है, भारत में इतनी सारी जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम आ गए अडानी है जी। और पहले ही एंटिसिपेट कर लिया, 20 साल में कितनी जरूरत होने वाली है, 140 करोड़ लोग होंगे और 140 करोड़ लोगों में अगर मैं 14 करोड़ लोगों को भी दे दिया तो भाई साहब ये 2-3 लाख करोड़ का धंधा हो जाएगा। कंप्रेस नेचुरल गैस व्हीकल में आएगी और इसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, जिसको सीएनजी बोलते हैं आप लोग। और टीम ने एक्सप्लेन किया, अगर ये हमने ले लिया ना तो बहुत बड़ा धंधा बन जाएगा। सीएनजी के फ्यूल पंप, वहाँ से पैसा आएगा, पावर जनरेट करेंगे वहाँ से पैसा आएगा, पीएनजी जो है जो मैंने बताया जो घर की गैस है, रेजिडेंशियल गैस है, वहाँ से पैसा आएगा, जो घर में आप यूज़ करते हो गैस तो कमर्शियल वालों को भी चाहिए होती है, कई बार इंडस्ट्रियल को भी चाहिए होती है गैस, तो उनको भी वहाँ से आएगा। अभी सोचे यार ये गैस लाऊँ कहाँ से, चलो बात तो ठीक है, गैस चाहिए भी तो है, गैस लाऊं कहाँ से। तो गैस इनको समझ में आ गया कि गैस का जो रॉ मटेरियल है वो अपने को ONGC से मिल जाएगा। ONGC सरकारी कंपनी है, सरकार के साथ रिश्ता बना के रखते हैं ताकि काम थोड़ा जल्दी होता रहे इनका। और वो अच्छा रिश्ता बना, ONGC के पास गए, सरकारी कंपनी महारत्न कंपनी, उससे ओके करा लिया कि भैया हम आपको दे देंगे। अब इनको 3 स्टेजेस में गैस पहुँचानी थी। पहले मेन ट्रांसमिशन पाइपलाइन, जो बड़ी हाई प्रेशर पाइपलाइन जिससे बहुत प्रेशर से गैस जाएगी, जो अलग अलग शहरों तक गैस पहुँचाएगी। सेकेंड स्टेज पे हर शहर का सिटी गैस स्टेशन, वो एंट्री पॉइंट है, वहां गैस पहुंचेगी, वो हाई प्रेशर को कर देगी लो प्रेशर, क्योंकि घर पे तो लो प्रेशर पहुंचनी है ना। और उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन। अब ये कौन सी होती है, ये सारी वहां से जो सिटी गैस स्टेशन है, सिटी गैस स्टेशन जो बड़ा गैस स्टेशन है जहां पे हाई जो है प्रेशर को लो प्रेशर किया, वहां से छोटी 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 पाइपों के माध्यम से घरों तक, सारे मोहल्लों तक गैस पहुंच जाएगी। 2020 में टोटल एनर्जीज, दुनिया की सबसे बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी LNG में लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पीएनजी सीएनजी के बाद थे, उनको साथ में ले लिया, ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन में काम आने वाली है। कमाल हो गया, क्योंकि इनको पता चल गया फ्यूचर क्या है, उसको भी साथ में लिया, उससे पार्टनर कर लिया 2020 में। अब अडानी टोटल गैस लिमिटेड आज आउटकम क्या है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास ये कंपनी आ गई, 12 राज्यों में चली गई और आज 9000 किलोमीटर की पाइपलाइन बना दी, 450 CNG स्टेशन हो गए, 7 लाख लोगों के घर में गैस अडानी की आ रही है। अब इसको और बड़ा करते जा रहे हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि गौतम भाई अडानी हर बिजनेस को बड़ा करके दिखा, बड़ी बात ये पहले से समझ जाते थे कि कौन सा बिजनेस बड़ा होगा। गुजराती, अच्छा 2 गुजराती सुनो, 1 गुजराती सबके समर्थन से देश चला रहा है प्रधानमंत्री, और 1 गुजराती सबके समर्थन से बिजनेस चला रहा है, यानी कि खुद नहीं चलाते, सबका समर्थन लेके बिजनेस चलाते हैं। गौतम भाई अडानी की ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीज़ें जो है ना कि स्ट्रेटेजिक अलायंस करते कैसे हैं, ये जब मैं लीडरशिप फंड में सिखाता हूँ लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ लीडरशिप फंड हर महीने करता हूँ, मैं रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी, लो कॉस्ट मार्केटिंग, सॉलिड केपेबल मैन पावर कैसे बनाओगे, वो फाइनेंशियल एक्यूमन कैसे लेके आओगे, फॉर्मूलाज क्या है, रेशियोज क्या है, एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस और अलायंसेज कैसे बिल्ड करें, ऑटो पायलट पर धंधा कैसे जाए, लोग खुद ही कसम खाते हैं। जबरदस्त सेशन, मतलब 10 से 11 घंटे का सेशन है, 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग को एग्जर्शन हो रहा है। ये जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है सभी को लेना चाहिए, इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज्यादा ही हेल्पफुल होगा। जो लोग अभी तक इस प्रोग्राम को नहीं अटेंड कर पाए हैं, जो लोग सोच रहे हैं वो देरी ना करें। अगर आप अपने दिमाग से ढक्कन हटाना चाहते हैं, अपने धंधे को बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे चले आइए लीडरशिप फनल पे। यहाँ आगे पता चला कि हम अपने बिजनेस को स्केल कैसे कर सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं अपने बिजनेस को 10 से 10 गुना बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम जैसे मैंने सोचा था उससे भी और अच्छा लगा मुझे। मैं और मेरी पूरी टीम, आज ही मैं कमिटमेंट कर लिया हूँ, मेरे जो कोर कमेटी जो है, जो 5 लोग है,
उस सबको मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग का प्लानिंग कर लिया है। अब आते हैं जी लोकल एज पार्टनरशिप, लोकल एज। अभी ये क्या है, ये पार्टनर ढूंढते थे, अब ये खुद पार्टनर बने। अब क्या है, ये मैं अडानी विल्मर के बारे में बताऊंगा। कई दिन से गौतम भाई अपने हार्ड कोर बिजनेस से हटके कुछ नया करना चाह रहे थे ताकि और एक्सपैंड करें। रिसर्च किया, टीम से पूछा अब क्या चल रहा है, बोला सर देखो गैस वैस का पहुँचा दिए घर में है जी, अब राशन का सामान भी पहुँचाते हैं। FMCG बहुत चल रहा है, धंधे में 50% नकली अनऑर्गेनाइज मार्केट डोमिनेट कर रही है, इसमें घुसने की कोशिश करते हैं। अपॉर्चुनिटी स्कैनर, हर समय अपॉर्चुनिटी ढूंढते, हर समय स्मेल कर लेंगे। ये सुनते ही गौतम भाई के दिमाग में नया आइडिया आया, पूरे मार्केट का हिसाब जोड़ा इन्होंने, इनके होश उड़ गए। भाई साहब मार्केट तो बहुत बड़ी है, सन 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय हाउस होल्ड के अंदर अगर 20 करोड़ हाउस होल्ड है, 20 करोड़ घर, लोग तो ज़्यादा होंगे, एक 20 करोड़ घर है, 20 करोड़ घर में अगर 250 रुपये महीने का वो तेल इस्तेमाल करते हैं तो 12 महीने का 3000 रुपये हो गया, और 3000 रुपये 12 महीने का तेल खाली कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, 3000 रुपये को अगर 20 करोड़ हाउस होल्ड से मल्टीप्लाई करो 60,000 करोड़ की, तो सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी। कह रहे ठीक है छोटा धंधा है 60,000 करोड़ का, पर करते हैं इसको अब। लेकिन इनको तो आता नहीं, इनसे तो होता नहीं है, बहुत सुना नहीं आपने, मेरे हस्बैंड मुझको प्या, इनसे होता ही नहीं, हाँ इनको आता ही नहीं, वही है इनके साथ, इनको आता, इनको थोड़ी आता था, क्या करना है अब भाई, नेटवर्किंग पार्टनरशिप के डॉन है। इनको 11 मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ रही है, इनको 11 मुल्कों के बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अब सिंगापुर में सबसे बड़ा विल्मर, जिससे इनके जिसके साथ मिलकर उन्होंने आगे चल के फॉर्च्यून बनाया, कैसे बनाया सुनो, कैसे विल्मर को कन्विंस किया। उस समय सन 2000 में कोई मोदी सरकार नहीं थी, बीजेपी की अपनी लोकल गवर्नमेंट थी गुजरात के अंदर, और इनके रिश्ते सब जगह अच्छे बना के रखते थे। विल्मर की इच्छा थी कि भारत की मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पे मैं अगर फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल ये सब ले आऊँ तो कमाल हो जाएगा। विल्मर ढूंढ रहा था भारत में किसी को, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार के साथ मिलकर एक मीटिंग कराई, और मीटिंग में इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है विल्मर भैया, तुम क्या कर रहे हो जानते हो तो सिंगापुर के, लेकिन तुम्हारा जो पाम फ्रूट आता है इंडोनेशिया से और घाना से, वो घाना और इंडोनेशिया से आता है, इसी पोर्ट से आता है, मैं इसी पोर्ट पे आने के बाद फिर तुम उसको ट्रैवल कराओगे, फैक्ट्रियां खोलोगे, कहीं चिंता ना करो, मैं क्या करता हूँ विल्मर, तुम बहुत बड़े हो गए दुनिया में, यहाँ राजा मैं हूँ, मैं क्या करूँगा तुम्हारे को यहीं पर ही मैं तुम्हारे लिए पूरी फैक्ट्री खुलवा देता हूँ। अडानी ने क्या बोला, ऑयल रिफाइनरी पैकेजिंग प्लांट में मुंद्रा में ही खोल देता हूँ तुम्हारे लिए। एक समुद्री जहाज से सामान आया, उतारते ही फटफट फट वहीं तेल बना दिए, और ये कहीं बड़ी कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा हमारे लिए। विल्मर को, अडानी को ना पता है कि किसकी ज़रूरत क्या है, उनको कैसे पार्टनर बनाया जाए, और गौतम भाई अडानी ने उन्होंने बोला कि मैं आपके सारे लॉजिस्टिक्स से खर्चे बचा दूंगा, आपका तेल सस्ता बनेगा, बेचो फुल रेट पे, कमाओ जब दबा के कमाओ, और साथ में यहाँ जो रेगुलेटरी चीज़ें हैं, जो नियम कानून कायदे कागज पत्तर हैं, वो सब मैं सरकार से बात करके जल्दी करा दूंगा, सरकार के लोग अच्छे हैं हमारे यहाँ पर, मेरी बात सुन लेते हैं। उन्होंने कहा अरे ये भी फ़ायदा हो गया, और जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, अब उनके पास गया अडानी, उनको बोले इतना एम्प्लॉयमेंट देंगे, इतनी लोगों की नौकरी लगाएंगे, इतना आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, इतना आपको टैक्स मिलेगा। चीफ मिनिस्टर बोले गुजरात का, कमाल करता, बहुत बढ़िया बात की है गौतम भाई, चालू करो। और ये हर एक को कन्विंस करके पार्टनर बना ले, और अडानी को क्या मिल गया, ग्लोबल एक्सपर्टीज मिल गई, सीधा एक ही बार में घर में खाना बनाने की आइटम जो चाहिए बनाने का, मेरे को नंबर वन आदमी नंबर टू आदमी वर्ल्ड का मिल गया, जिसको एग्री बिजनेस मालूम है, रिफाइनरी टेक्नोलॉजी मालूम है, FMCG का डाइवर्सिफिकेशन पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सब जानता है। अब दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट 50-50% पार्टनरशिप पे जॉइंट वेंचर हो गया। अब सब बनाएगा तो वही ना, ये तो 50% पे खाएंगे। एडिबल ऑयल के प्राइसेस पिछले 20 साल के अंदर 3 गुना बढ़ गए, टोटल मार्केट साइज 3,00,000 करोड़ का हो गया, और अडानी ने 17% मार्केट शेयर फट से कैप्चर कर लिया, 50,000 करोड़ के शुरू में कैप्चर कर लिया, 16% ग्रुप का रेवेन्यू, साथ मिलकर दोनों ने सबका तेल निकाल दिया, विल्मर और अडानी ग्रुप ने साथ मिलकर। आज नंबर 1 एडिबल ऑयल फॉर्च्यून है, नंबर 2 वीट आटा प्लेयर फॉर्च्यून है, नंबर 3 बासमती राइस भारत में कोहिनूर है, ये सब इन्हीं के हैं, इनके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दिए। अडानी विल्मर आज मार्केट लीडर है, और इस समय 11 करोड़ घरों के अंदर इनका सामान जा रहा है। देखो पता क्या, जो इनको नहीं आता है, हाँ मैं संदीप महेश्वरी जी के बारे में बोला था, जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इनको नहीं आता है, जो इनको नहीं भाता है, लेकिन अगर बाजार चाहता है तो ये बंदा करके दिखाता है, और इतना पैसा कमाता है कि संभाला नहीं जाता है। गौतम भाई एक साथ पूरे देश की सोचते हैं, एक साथ बहुत बड़ा सोचते हैं। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 8, यहाँ पे इन्होंने अलग ही प्रकार के दिमाग लगा दिया, चलिए 1,00,000 करोड़ का नया धंधा खोलते हैं, हाँ सेक्टर असिमिलेशन स्ट्रैटेजी, यहाँ से आया अडानी सीमेंट, अडानी सीमेंट बाद में आया, इन्होंने ACC और अंबुजा को कैसे पकड़ा। अडानी एक दिन TV पे नितिन गडकरी जी के बारे में सुन रहे थे, और पता चला टीम मेंबर बताया कि 65 साल में जितने हाईवे बने उसके डबल पिछले 10 साल में बन गए, और उससे ज़्यादा अगले 5 साल में 10 गुना और बनने वाले हैं। और सीमेंट लगता ही रहेगा अभी भारत में, अभी भारत में बहुत बनना है अगले 50 साल तक, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है भारत में, सीमेंट सब जगह लगेगा, बहुत मकान बनने हैं अभी।
गौतम भाई उसी वक्त आइडिया दिमाग में आ गया और गौतम भाई सोचे यार ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अब सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है भारत इस समय दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, और सीमेंट का कंजम्पशन 1.5 गुना बढ़ा पिछले 10 साल के अंदर। लेकिन गौतम भाई ने हिसाब लगाया पर कैपिटा, देखते हैं साइज ऑफ कंट्री नहीं, पर कैपिटा देखते हैं, पर कैपिटा सीमेंट भारत में 250 किलो लग रहा है और चाइना में 1600 किलो लग रहा है। ये बोले भाई अपॉर्चुनिटी अभी 7 गुना बाकी रह गई है, पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन बहुत होने वाला है। फिर इन्होंने कहा कि देखो धंधा मिलेगा कहाँ से। तब इनको पता लगा प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, स्मार्ट सिटी मिशन चल रहे हैं, यहाँ पे अटल मिशन ऑफ रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सरकारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, भारत माला परियोजना पूरी सड़कों हाईवे बनाने का चल रहा है। सरकार जो है 11,11,111 करोड़ रुपया यानी कि 1.25 लाख करोड़ रुपया, लगभग 11 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बोला मुझे सीमेंट चाहिए, सब जगह चाहिए। अच्छा सीमेंट वाले अपने नेक्सस बना के रखे, नया आदमी नहीं घुसने देंगे। अच्छा इनकी तो आदत है नहीं, खुद से धंधा खोलने की आदत है ही नहीं गौतम भाई की। मैं बहुत डेप्थ देता हूँ स्ट्रैटेजी की, बहुत डिटेल में, कोई नहीं देगा आपको ऐसा वीडियो कहीं पे भी। मैं आपको चुनौती देता हूँ, ये केवल टाइकून्स ऑफ इंडिया में मिल रहा है, इतनी डेप्थ में जाता हूँ मैं इसमें। अब वहाँ इतना नेक्सस चल रहा है, अब एस्टैब्लिश्ड प्लेयर अल्ट्राटेक बहुत बड़ा, अंबुजा बहुत बड़ा, ACC बहुत बड़ा, जिंदल जो है ना JSW बहुत बड़ा। अभी मैं कैसे घुसूं उसमें, कोई मिल नहीं रहा। अब मैं किसी को खरीदूं कैसे खरीदूं, तब ये अपना लगे रहे ढूंढने में लगे रहे। तो होलसेम नाम की कंपनी थी जो कि स्वीडन की थी और वो सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर था इंडिया में ACC और अंबुजा के साथ में मिलकर के। उसको उन्होंने समझाया तू स्वीडन जाकर आराम कर, स्वीडन में वादियाँ बहुत सुंदर है, ऐसा कर तेरे जितने शेयर है ना वो मेरे को दे दे। बातचीत किया, बोला चलो हम ओपन बिड करते हैं, वो माना नहीं आसानी से। तो अब अल्ट्राटेक और JSW को भी पता चल गई बात है, जिंदल को भी और अल्ट्राटेक को भी, वो हम खरीदेंगे अंबुजा और ACC के सारे शेयर हम खरीदेंगे। वो लग गए अपना, वो बहुत मोटी बिड दी। अडानी ने उस बिड के लिए ओवर पे कर दिया। क्यों ओवर पे किया? सारी टीम ने मना किया, सर ज्यादा पैसे दे रहे। बोलो दूंगा। बोले सर क्यों दोगे? बात सुनो, ये दोनों है ना मिलकर के ACC और अंबुजा, इनके पास 10,500 एम्प्लॉइज हैं, 50,000 चैनल पार्टनर है जहाँ का सीमेंट बिक रहा है, 80 प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के हैं जो रेडी मिक्स कंक्रीट बना रहे हैं दोनों के साथ मिलकर, 23 सीमेंट के और 14 ग्राइंडिंग प्लांट हैं। भाई साहब ये बहुत बड़ा है, ये कमाई आज टेंशन मत लो, 88,000 करोड़ रुपए दिया गौतम भाई अडानी ने इन दोनों को खरीदने के लिए, और बोले 1-1 रुपया वसूल कर लूंगा। अभी भारत में बहुत सीमेंट लगने वाला है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी उस समय भारत के अंदर, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल स्पेसिस के अंदर। और ये मूव ने इनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर बना दिया। इन्होंने क्या किया, अंबुजा के 63% ले लिए, ACC के 56% ले लिए, अपने बेटे को बिठा दिया। बेटा सीमेंट का धंधा बहुत बड़ा होगा, तू खुद बैठ। इनका बेटा खुद बैठ गया और सीमेंट के शेयर इस समय इनके ग्रुप रेवेन्यू में 11% है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने ले लिया और आज ऑलरेडी ये 1.5 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। धंधा चाहे जो भी हो, अडानी ना उसमें धन सूंघ लेते हैं, हर धंधे में धन सूंघ लेते हैं। अपने बिजनेस फंडामेंटल से न्यू प्लेयर, वो न्यू प्लेयर से दी ओनली प्लेयर बन जाते हैं। कहने को न्यू प्लेयर आए, दी ओनली प्लेयर बन जाते हैं। इतना बड़ा काम करके देखते हैं, इनका सोच अलग है। टीम से पूछा, टीम ने कहा ऐसा है सर, देखो मेरी बात सुनो कि अडानी सर ऑटोमोबाइल में भी घुसते हैं, गाड़ियां बनाते हैं। इंडिया की ना मार्केट इस समय 4th लार्जेस्ट मार्केट ऑटोमोटिव की, गाड़ियों की मार्केट, और डबल हो जाएगी अगले 7 सालों में। अभी भी भारत में लोगों ने गाड़ियां खरीदी नहीं है, खरीदेंगे, यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, और सीमेंट की तरह ये भी मार्केट कॉम्पिटेटिव है। मारुति के पास 45%, हुंडई के पास 15%, टाटा के पास 15%, महिंद्रा के पास 15%। हम घुसते हैं, अडानी कार बनाते हैं, अडानी कार। गौतम भाई अडानी मुस्कुराए, बोला भैया कार की टेक्नोलॉजी बार बार बदल रही है, सीमेंट तो हमेशा वही रहेगा, सीमेंट तो वैसे ही रहेगा, कार गाड़ियां इस समय बदल रही हैं। और बदल क्यों रही हैं? क्योंकि इस समय ये अनाउंसमेंट लगातार हो रही हैं कि हमारे को कार्बन फ्री चाहिए, तो पेट्रोल डीजल जाएगा, इंजन बदलेंगे, सब बदलेंगे। इस समय कई नियम कानून में बदलाव आएंगे, जब ये स्थिर हो जाएगी ना मार्केट तब घुसेंगे इसमें, जब बेटर और स्टेबल टेक्नोलॉजी आ जाएगी तब घुसेंगे। सीमेंट तो सेम चलना है, फास्ट फॉरवर्ड नॉवी स्ट्रैटेजी, वैल्यू बेस्ड बिडिंग। ये क्या करते थे इन्होंने, क्या इनके ना टीम ने पूछा कि सर ऐसा है, फिर एक काम करते हैं, अडानी एयरलाइंस चालू करते हैं, गाड़ी नहीं बना रहे, अडानी एयरलाइंस चालू करते हैं जी। ये बोले अडानी, बोले नहीं नहीं, याद रखो मैं हूं अडानी, नहीं नहीं अडानी, नहीं नहीं। बोले क्यों सर? भैया लोएस्ट प्रॉफिट मार्जिन है एयरलाइंस में, 2.5% का मार्जिन है, बड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, तो वापस पैसा आके घूमते घूमते बहुत टाइम लग जाएगा, और मार्केट वॉलेटाइल रहती है तेल की, कभी तेल महंगा कभी तेल सस्ता, कभी जहंगा, और ज़्यादा तेल महंगा हो गया ना तो पूरा तेल निकल जाएगा अपना। ऑपरेटिंग कॉस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग है, टिकटों में कमाई है नहीं, इंडिगो के अलावा कोई चल ही नहीं पाया, क्यों घुसे रिश्ती काम में? अडानी ने कहा हवाई जहाज में 1 लाख करोड़ का धंधा तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन हवाई जहाज जहाँ उड़ रहा है वो ले लेते हैं, जितने उड़ेंगे और लैंड करेंगे सबसे किराया वसूलेंगे, एयरपोर्ट ले लेते हैं।
एयरपोर्ट में हजारों करोड़ का प्रॉफिट पक्का है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयर पैसेंजर मार्केट है यूएस और चाइना के बाद। सबसे ज्यादा हवाई जहाज भारत में उड़ रहे हैं, समय तीसरे नंबर है पूरी दुनिया में, और डोमेस्टिक एयरलाइन की जो कैपेसिटी है वो डबल होने वाली है अगले 5 साल में। ऐसा करते हैं, अगर 100 करोड़ लोग अगले 10 साल में ट्रैवल करेंगे, तुम बोला सर कमाएंगे कैसे, हम बताते हैं कैसे कमाएंगे। कोई कार्गो आएगा उसकी हैंडलिंग फीस होगी, उसकी स्क्रीनिंग, सिक्योरिटी, उसका स्टोरेज। कोई एयरक्राफ्ट आएगा पार्किंग करेगा, पार्किंग का पैसा लेंगे उससे, उससे नीचे उतरेगा उसका पैसा लेंगे, पार्किंग की फीस लेंगे, पेट्रोल भराएगा तो उस पर उसकी सेल्स और उसकी स्टोरेज का पैसा लेंगे, रिटेल की दुकानें खोलेंगे, ड्यूटी फ्री शॉप खोलेंगे, फूड कोर्ट खोलेंगे, लाउंज सर्विस खोलेंगे, उस पर कमाएंगे। वहाँ पर एडवर्टीजमेंट होगी, होर्डिंग लगेंगे एयरपोर्ट के अंदर, उस पर पैसा कमाएंगे, बिलबोर्ड पर कमाएंगे, डिजिटल स्क्रीन पर कमाएंगे, पैसेंजर को सर्विस देंगे, उनका बैगेज, उनका सिक्योरिटी, उनकी पार्किंग, उस पर भी पैसा कमाएंगे। एयरक्राफ्ट अपनी मेंटेनेंस कराएगा, ट्रेनिंग कराएगा, सिमुलेशन, उस पर भी कमाएंगे। सारी टीम ने सोचा यार ये आदमी इतना तेज है, इतने सारे रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज, और अगले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने 6-7 एयरपोर्ट अहमदाबाद का, लखनऊ का, मैंगलोर का, गुवाहाटी का, जयपुर का, तिरुवनंतपुरम का अगले 50 साल की लीज पे ले लिए। और फिर क्या हुआ बाद में, दो और मुंबई, नवी मुंबई सब ऐड कर दिया उन्होंने, और मुंबई आपको पता है भारत में दूसरा सबसे बड़ा बहुत शानदार एयरपोर्ट है। और तब क्या है, जो एरोनॉटिकल हवाई जहाज वाला रेवेन्यू वो 300 करोड़ का, 8 एयरपोर्ट का हो गया 2500 करोड़ का, और जो नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू जो बिना हवाई जहाज का बाकी चीज़ें सारी बताई वो 400 करोड़ का, 8 एयरपोर्ट 3200 करोड़। तो ये सोचे भाई 2400 करोड़ और 3200 करोड़, यानी कि 5600 करोड़ तो तुरंत मिल रहा है, सारा मार्जिन ही मार्जिन है इसमें, बहुत मोटा मार्जिन है। अडानी ने कैलकुलेट कर लिया, अगर 10 करोड़ पैसेंजर गए, 1 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो का अगर मैंने हैंडल किया, अडानी जानते हैं कि उन्होंने अपना गणित कर लिया पूरा जी, तो एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग करी उसमें GMR को उड़ा दिया पूरा, GMR को सारी बिल्डिंग में उड़ा दिया, वो सब खुद लेते चले गए। अब जो है ना आज अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन, इनका सिस्टम ही ऐसा है, रेस में घोड़ा मत दौड़ाओ, पूरा रेस कोर्ट खरीद लो, जो दौड़ाएगा उससे कमाऊंगा है जी, मैं ताश के पत्ते नहीं खेलूंगा, पूरा गैम्बलिंग खरीद लूंगा, मतलब पूरा का पूरा कसिनो खरीद लूंगा, जो आएगा उससे मैं कमाऊंगा। आज 33% इंडिया का एयर कार्गो ट्रैफिक इनका है, आज 9 करोड़ पैसेंजर इनके साथ उड़ रहे हैं, आज 65 एयरलाइन कंपनी इनको किराया दे रही हैं, आज प्रॉफिटेबल रेवेन्यू, मोटा प्रॉफिटेबल रेवेन्यू 6000 करोड़ का बना लिया इन्होंने। समझ आया अडानी को तूफानी क्यों कहते हैं, बिना हवाई जहाज आसमान में कैसे उड़ाए, अपने एयरपोर्ट के बिजनेस को आसमान तक पहुंचा दिया इन्होंने, हवाई जहाज नहीं उड़ाया, बिजनेस उड़ा दिया। और अभी पिछले साल वो शॉर्ट सेलर कंपनी पागल बिल्कुल हिंडनबर्ग दिमाग से बुद्धि से पैदल, और मैं हमारे देश में लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे, उनके बचाव में जब मैं खुल के आया लोगों ने मेरे को ट्रोल किया था, लेकिन तभी मैंने बता दिया था। आज 70% का शेयर प्राइस गिरा है, पर इनके जो एक्सपर्ट्स ने कुछ ने तो अडानी की शोक सभा लगा दी थी, पर मैंने जवाब में बोला था, और 1 साल बाद ठीक वही हुआ जो मैंने उस समय बोला था, स्ट्रांग एसेट बेस है, 2.25 लाख करोड़ के इनके कर्जे के अंदर 1.5 लाख करोड़ तो उनका सिक्योर्ड है, और डेट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है, ये डेट को आसानी से कवर कर सकते हैं, और जितनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जहां जहां से पैसा आ रहा है वो स्टेबल है, आराम से आ रहा है, क्लीन चिट दी सेबी ने इस रिपोर्ट के अगेंस्ट। मई 2024 में अडानी ग्रुप का टोटल मार्केट कैप फिर से $215 बिलियन पार कर गया, उस इंसिडेंट के बाद सबसे ऊपर चला गया। कमाल है भाई, लोग ना एडवेंचर्स होते हैं, ये एडवेंचर होते हैं, एडवेंचर मतलब नया नया वेंचर ऐड करो, एक और वेंचर ले आओ, एक और ले आओ। अभी भी बैठे होंगे इस समय जब आप वीडियो देख रहे हो, आज संडे के दिन ये इस समय बैठ के बात कर रहे होंगे, आओ भैया बैठे 2 लाख करोड़ का नया धंधा बताओ, एडवेंचर। लोग क्या करें, एडवेंचर। मेरे यहाँ पे एक लड़का इवेंट मैनेजमेंट में, तो मैं पूछा कहाँ गया छुट्टी पे, बोला सर पहाड़ पे चढ़ने गया था, मैंने कहा क्या किया, बोला पहाड़ पे चढ़ा, मैंने कहा फिर कैसे उतर गया, अब बताओ, ये एडवेंचर है उसका। और यह अडानी है एडवेंचर, इसको वेंचर ही ऐड करने, और हर एडिशन में एक स्ट्रैटेजी, एक डायरेक्शन थी। PVC से शुरू किया, फिर इंपोर्ट में घुसे, फिर एक्सपोर्ट में घुसे, फिर पोर्ट में घुसे, फिर पोर्ट के बाद कोल में घुसे, कोल से बिजली में घुसे, और नए 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 करते करते 30-35 धंधे बना दिए, जैसे गौतम भाई अपने विजन से हर चीज में वैल्यू क्रिएट करिए ना, मेरा भी यही मोटिव है, मैं वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करूं ताकि बड़ा बिजनेस के साथ मिलकर के आप भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें। इसीलिए फिलहाल तो आपको खाली कमेंट करना है किस टाइकून की स्ट्रैटेजी देखना चाहते हैं। वैसे मेरा मन है, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं राकेश झुंझुनवाला की सारी स्ट्रैटेजी देना चाहता हूं। फिर भी आप नाम लिखो, खुल के थोड़ा सोचा करो, और इस वीडियो को हर बच्चे को दिखाओ, हर स्टूडेंट को दिखाओ, इन वीडियोस को फैलाओ, उनको बताओ लोगों को कि फ्री में MBA से ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई वाह, आज तो डॉक्टर साहब ने क्या बातें बताई हमें गौतम अडानी जी के बारे में, भाई हैरान कर दिया, हमारा तो सर घूम गया भाई, इतने सारे बिजनेस हैं हम तो सोच नहीं सकते, ये बंदा करके दिखा दें, मतलब जहाँ दिखता है भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसका फ़ायदा मिलेगा हमें 10-20 साल चलो आयुष में लगाओ। टीम में वो कंफ्यूज हो जाती है कि सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाओ, फिर बोलता है नहीं भाई हमें उस चीज़ में पैसा लगाना है जहाँ से आए, मतलब बिना टेंशन के पैसा आए। और ये बंदा ऑनेस्ट भी है, ईमानदार भी है, वरना हमने बहुत बिजनेसमैन देखे हैं जिनको बस पैसों से मतलब है और आवाम जाए भाड़ में,
लेकिन ये आवाम का सोचता भी है और उनकी ज़रूरत को भी सोचता है कि इनको ये चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ उनको देता है। अगर ऐसा ना होता तो इंडिया वाले इसके अगेंस्ट हो जाते ना, भाई ये बंदा ख़राब है, ये हमें चीज़ें सही नहीं देता। लेकिन नहीं भाई, इसका बिजनेस चल रहा है तो अब इसका भी नाम है ना भाई, हर मतलब हर चीज़ में। और कोई 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ नहीं, 1,00,000 करोड़ भाई, 2,00,000 करोड़ का। और ऑफिस में बैठता है, चलो भाई 1,00,000 करोड़ का बिजनेस लगाओ, ये कौन सा है? समंदर में, छोटा समंदर नहीं, मुंद्रा में चलो जो बड़ा है, जहाज बड़ा जहाज आए हमारा। छोटा भाई सोचता ही नहीं ना, बड़ी सोच रखता है और प्लान करता है हर चीज़ का भाई सारा। वो बैठ के अपना नेटवर्क बनाता है, बंदा बोल रहा है पैसों का नहीं सोचता, पहले देखता है कि नेटवर्क बनाओ, पार्टनर आए उनके साथ डील करो। एक ऑस्ट्रेलिया वाले को चुना लगाया, वो बोल रहा है $1.5 बिलियन दो, फिर ये ला ले जाओ ये कोयला। उसको बोला नहीं भाई, ये 500 तू रख, तू मेरे साथ आ जा और काम सारा तू संभाल, तुझे रॉयल्टी हम देते हैं। सिंघम की तरह, सिंघम आया ना टारदन की, मुझे रॉयल्टी चाहिए। वो आराम ही अच्छा। गौतम अडानी जी की भाई क्या बात है, गुजराती भाई, और ऐसे भाई इंडिया के लिए काम करें, गैस इंडिया को दी, राशन दिया, बिजली, कोयला, भाई क्या बंदा था यार। आज इससे ना बहुत कुछ सीखने को मिला, यकीन करें। जब ये भाई हमें बोल रहा था ना कि शुरू में जब वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते हुए नहीं सीखा, बोला उसमें घुसूंगा बिजनेस में, अपने खुद से करूँगा फिर मुझे पता चलेगा। और आज डॉक्टर साहब ने ऐसा भाई मतलब हमें एक्सप्लेन किया है ना, इसकी भाई सारी बायोग्राफी बताई। गौतम अडानी नाम तो हमने बड़ा सुना था, हर जगह पे नाम था जब इसके पीछे पड़ गए थे अमेरिका वाले, लेकिन नहीं भाई ये बंदा खड़ा हुआ है और हर चीज़ में इसकी नज़र है भाई। और बिजनेस जिस तरह इसका बढ़ रहा है ना, आज मतलब हैरान करते हैं। गौतम अडानी भाई सलाम है, नाम अंबानी के मिलता जुलता है, पर गौतम अडानी भाई, अंबानी भी है पर गौतम अडानी भाई, गुजराती, मज़ा आ गया। हाँ भाई गुजराती भाई, कैसे हो? तो हम मज़े में भाई, गुजराती तो बड़े बिजनेस में निकला है अडानी भाई, गौतम अडानी सर यार, इसके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। क्या मेहनत से अपना ये पावर जो एम्पायर खड़ा कर दिया है ना इसने यार, यार दमदार लगा। अंबानी के भी बारे में सुना है पर ये वाला तो बड़ा तेज़ है भाई, ये रतन टाटा जी के बारे में सुना तो यार बड़ा आदमी इनके पास है यार, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारा पड़ोसी इंडिया बड़ा तरक्की कर रहा है, ये क्या इनकी सोच है यार। यार अडानी के बारे में सुन रहे हैं तो भाई हम तो हैरान हो गए भाई, जो भी बड़ा बिजनेस देखता है वो पैसे गोल हो जाते हैं सारे, और वो कहता है सारा मुझे बिजनेस चाहिए भाई, पार्टनरशिप नहीं चाहिए, सारा मुझे चाहिए और तुम भी मुझसे मिल जाओ। जो वो जिसका बिजनेस है उसको कहता है भाई तुम मेरे साथ मिल जा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये बड़े भाई सोच का काम है भाई, दिमाग का काम है। अंबानी ये जो अडानी भाई है ना, इसने तो हमारा दिल खुश कर दिया, ये हमें भी एकदम से जज्बा आ गया भाई इसके बारे में सुनकर। सरकार को भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो बीच में टांग ना अड़ाए कहीं बीच में, यार हमें भी दो पैसे पहले ही उनको का शिवाजी बॉस भाई टकला बॉस वो भी याद आए बिजनेस करने याद है हमें तो आते तुम, पर ये तो अडानी भाई पहले ही उनके पास चला जाता है भाई, ये लो आप बीच में टांग नहीं अड़ाना भाई, मजा आ गया ऐसे। ये अडानी भाई को सलाम है भाई, और ये हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे बता देना भाई, जोश आ जाता है एकदम से हमें, जज्बा आ जाता है, फिर खत्म हो जाता है। अभी वो गीता वाला नहीं पढ़ता ना, वो गीता का श्लोक पढ़ता था बीच बीच में जिससे शुरू में वो अच्छा यार वो नहीं पढ़ता ना, ये जोश ये ऐसे करता है लड़ता है ना, वो मुख्य नहीं दिख। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सलाम है, ऐसी कहानी हमें बता रहे ना, ना एकदम से बंदे को जो नॉर्मल है कहता है पढ़ाई नहीं करो बिजनेस करो भाई, ये जोश है भाई, पढ़ाई में क्या मिलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है शुरू में। मिसाल पढ़ गया तो उसने बिजनेस तो सीखा है ना, ऐसा नहीं अनपढ़ थोड़ी सीख सकेगा ऐसा बिजनेस, पढ़े लिखे होगा तो तभी तो उसका माइंड खुलेगा। बाकी यार गौतम अडानी का सुना है ना बहुत अच्छा लगा मुझे, हर चीज में भाई आ गई है। गवर्नमेंट को भी बोल रहा है 26% तेरा बाकी मेरा भाई, वो भी घुस ना जाए बीच में, वो भी गुंडा है ना गवर्नमेंट तो आधी तो गुंडा वो भी है, बल्कि माल दो उसको बोल रहा है उधर ही निपटा देता है गौतम अडानी। हर चीज में सीमेंट में जो भी है, जहाज के समंदर में, हर जगह पर छाया हुआ है पूरे हिंदुस्तान पर भाई। एक आदमी हमारे पास भी आ जाए ना पाकिस्तान में तो हमारा भी देश का नाम हो जाए। अडानी भी वहाँ पर, अंबानी भी वहाँ पर, टाटा भी वहाँ पर, हर चीज़ वहाँ पर भाई, एक दो तो हमारे पास भी आ जाए तो मज़ा आ जाता है ना। बाकी भाई साहब जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा बता रहे हैं ना भाई, ये होश उड़ा देता है हमारा। और जितने इसके सुनने वाले भी बहुत है ना, वो भी बोलते हैं आज के बाद हम भी 5 साल के लिए इसके साथ जुड़ गए, ये मजा है ना ऐसे ऐसे करता है ना। हाँ झटपट
ये नहीं कहता जोश में हम भी थोड़ा ठंडे पड़ गए। बाकी भाई साहब मजा आ गया देखकर ऐसी वीडियो है ना, आज बिल्कुल हमारे दिमाग की है ना बत्ती जल गई है भाई। हाँ भाई यार जो खोड़दा मडानी ने भाई वीडियो दिखाई ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भाई, मैं तो यार हैरान हो गया, मेरा दिमाग खुल गया है भाई। ये तो भाई बिजनेस की सोच बड़ी रखता है भाई, ये पूरे आवाम को कंट्रोल करना चाह रहा है भाई, गवर्नमेंट को एक्साइट कर रही है, मज़ा आ गया। हाँ भाई आवाम की खिदमत कर रहा है, बहुत अच्छा ही आदमी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, ऐसी वीडियो आती रहेंगी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू अल्लाह।